को मेरा नमस्ते। कैसे हैं, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और देखिए भाई, अब आ गए हैं हम अपने खेत में। आज का व्लॉग हम अपने खेत से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज तो पतिदेव भी इनको भी चलना पड़ेगा, संडे का दिन है। मम्मी की अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, शाम को तो आ गई थी, लेकिन अब फिलहाल ऐसी तबीयत हो रही है। आ भी सकती हैं पापा के साथ, नहीं भी आ सकती। और आज लगभग, कल देखो हमने बहुत सारा काटा और शाम को भी काफ़ी काट के गए थे, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो गया था जब गए। और आज हो सकता है तो पूरी कट जाएगी, कोशिश तो करेंगे यही कि कट ही जाए, और बाकी देखेंगे पता चलेगी। क्योंकि ना एक तो ये इर्ज भी बहुत ही ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा टूट रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और देखते हैं कब तक होगा। तो फ्रेंड्स लग जाते हैं अपने हथियार को लेके काटने के लिए। पतिदेव लग जाते हैं ज्वार बांधने के लिए, जो कल हमारी कुछ पूरी बच गई थी बंधी हुई बंधने से, तो वो लग जाते हैं बांधने और मैं लग जाऊंगी काटने के लिए। और आज इन्हें जाना था कहीं, तो फुल कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाया था, और हमें देना था एक सूंट। तो घर आने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर लग जाते हैं हम। सूंट को पूरा मशीन से कंप्लीट किया, लास्ट का काम रह गया तुरपाई करने का। अब मैं तुरपाई करने लग जाऊंगी। इधर मम्मी की तबीयत हो गई थी ख़राब, तो मम्मी तो पास वाला जो डॉक्टर है, पतिदेव तो घर पर थे नहीं, तो लगा के ग्लूकोज चढ़वाने लगी, और एक साथ इतनी सर्दी लगने लगी, तो हमें बीच में ये बंद करनी पड़ी। लेकिन अभी फ़िलहाल आराम बता रही हैं, और हमने फ़ैन भी ऑफ़ किए हुए हैं इतनी गर्मी में भी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अब सुबह के बजे हैं 5, हम दूध काढ़ लाए हैं, और ये रात में आटा पिसवाया था, और ये बेसन भी, कुछ बेसन पिसवाया था, कुछ दाल थी। तो रात में तो मम्मी बोल रही थी ये सब चीज़ गरम गरम है, तो इसलिए डिब्बे में साथ के साथ नहीं भरते। तो मैं अब ये मॉर्निंग में लग जाऊंगी भरने के लिए। बेसन मैंने भर दिया, लेकिन कैप नहीं लगाई थी। तो सबसे पहले हम रख देंगे गैस पे चाय बनने के लिए, धीमी धीमी गैस पे बनती रहेगी, क्योंकि आप सबको पता है हमारी चाय का टाइम सुबह ही है। और एक साइड में रख देंगे हम पानी गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले मम्मी ने और मैंने पिया गर्म पानी। यहीं चाय हमारी उबल गई थी, उसमें डाला दूध, और चीनी मैं बाद में ही डालती हूँ, और इसमें डाल दी चीनी, और अब कर दी हमने मंदी गैस, और अब पी लेते हैं हम अपना गर्म पानी। और इधर पापा भी अपना काम फारिग करके बैठ गए थे, जो भैंसों का, और अब दे आते हैं सबसे पहले पापा को चाय। देखिए फ्रेंड्स, हमारी लीसू बना रही है रोटी। कहाँ लीसू, कहाँ गई, कहाँ गई लीसू, कहाँ गई लीसू? हाय करो, हाय करना है तो टूटू। अच्छा टूटू बना के दिखाओ सबको, सबको टूटू बना के दिखाओ। कैसे बनाते हो आप, टूटू बना के दिखाओ पहले। अरे देखो मेरा बेटा बड़ा हो गया, ऐसे कर करके यहाँ पकड़, ऐसे कर। अरे बड़ा बच्चा बन गया भाई। हमारी लीसू हो गई है बड़ी, ये देखिए कैसे, देख ओहो ओहो कैसे आटा लगा रही है बार बार। और आज हमारा काम हो गया है लेट, क्योंकि आज ज्वार हो गई है भारी, इसलिए थोड़ा चल रहे हैं धीरे धीरे से। बच्चों का लंच बना दिया था, गैस पे ही रोटी बना दी थी, इसलिए आज थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है काम। और इधर लीसू आ गई थी सुबह सुबह, और ये देखिए, और ये चकला बेलन है ना, जो देवर की बेटी, उसके थे ये। मैंने इनको निकाला, ढूंढा पहले, फिर साफ किया, और फिर लीसू को दिए। ऐसे बच्चे करते हैं, कितना अच्छा लगता है। ए लीसू अच्छा लग रहा है? हाँ फोन हैं, मोर देखा कि इसमें पहले हाय बोला सबको, नहीं बोला है ना, जय भी नहीं किया, हाय ऐसे बोलेगी हाय। और इधर लीसू के ताऊ जी कर रहे हैं गाड़ी साफ, और सुहाना दीदी जा चुकी है स्कूल, और काना भैया भी स्कूल जा चुके हैं। और फ्रेंड्स आज हमारे खेत का काम हो गया बिल्कुल फारिग, और अब सिर्फ ज्वार को खड़ा करना है। अभी खड़ा करेंगे हम एक दो दिन में, क्योंकि मम्मी बोली थी थोड़े से अच्छे से सूख जाएंगी, तब वो अच्छे से खड़ी हो पाएंगी, तो इसलिए
तो कपड़ों की तह 2-3 दिन की रखे थे, और तो मैंने कहा चलो आज कपड़ों की तह कर लेते हैं अब। और फिलहाल हमारे घर के सारे काम हो चुके थे और मैं लग जाऊंगी अब कपड़ों की तह करने के लिए। और टीवी देखते देखते कब काम ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। और जो प्रेस के कपड़े हैं उन्हें एक साइड में रखेंगे और सबकी पेयर पेयर बना के हम सारे कपड़े रख देंगे अच्छे से। और फाइनली हमारे सारे कपड़े हो चुके हैं तह, और इन्हें तह करने में हमें पूरा 1 घंटा लग गया था क्योंकि टीवी देख रहे थे तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो इस ब्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। ओके थैंक।